पिछले कुछ एक महीने से भारत में हुआवे को लेकर बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई, जिसमें दावा किया गया कि हुआवे को भारत में 5G रोल आउट नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें, हुआवे यूएसए में लगभग एक साल पहले ही बैन हो चुका है और हाल ही में यूके ने भी हुआवे को 5G रोल आउट करने से रोक दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेकेंड एपिसोड हमारी टेक वॉर सीरीज का, और इस एपिसोड में हम हुआवे की रियल स्टोरी को डिकोड करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे इसका इम्पैक्ट हमारे देश पर क्या पड़ेगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हुआवे एक बड़ी चाइनीज टेक कंपनी है जो कि विश्व भर में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज़्यादा टेलीकॉम उपकरणों की निर्माता। इस कंपनी के फाउंडर हैं रेन ज़ेंगफी। रेन ज़ेंगफी ने एज अ इंजीनियर चाइनीज आर्मी में काफ़ी साल काम किया है और जब वो 1983 में रिटायर हुए, उसके ठीक 6 साल बाद हुआवे नाम की कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा कथित रूप से कहा जाता है कि इनके चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ गहरे संबंध हैं। यूएसए की CIA ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि हुआवे में चाइनीज आर्मी का पैसा लगा हुआ है। अब समझ लीजिए हुआवे का बिजनेस कितना बड़ा है। इसी साल के पहले 6 महीने में हुआवे ने अपना रिवेन्यू $64.8 बिलियन बताया है। ये भी तब जब पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इससे आप इस कंपनी की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। हुआवे कहीं भी किसी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इसके सारे शेयर्स या तो कंपनी के मालिक के पास हैं या तो इसके एम्प्लॉयज़ के पास। ये भी एक वजह है जिससे हुआवे अपनी ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं देता। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हुआवे के सर पर शक के बादल मंडराते रहते हैं और बहुत से देश, मुख्यतः यूएसए, हुआवे पर स्पाइंग के आरोप लगाता रहता है। इस पर हुआवे हमेशा ये स्टेटमेंट देता है कि हम एक स्वतंत्र कंपनी है और हमारा चाइनीज गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G इंटरनेट का 5th जनरेशन है। जैसे 2G, 3G, 4G, वैसे ही 5वां जनरेशन 5G। इससे इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ती है और जिससे काफ़ी सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, जैसे खुद चलती हुई गाड़ियाँ, उड़ते हुए डिलीवरी ड्रोन्स या और भी बहुत कुछ संभव हो पाएगा। USA जैसे बड़े सुपर पावर ने पिछले साल ही हुआवे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी हुआवे के साथ कोई बिजनेस करने से मना कर दिया था। US ने काफ़ी बार हुआवे को देश की सिक्योरिटी के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया और कोई रास्ता ना बचने के कारण आखिरकार पिछले साल बैन कर दिया। US चाइना के बीच चल रहे टेक वॉर की गंभीरता आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 2018 में हुआवे कंपनी की CFO, जो कि रेन ज़ेंगफी की बेटी हैं, उन्हें US के कहने पर कनाडा में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुआवे के CFO पिछले 1.5 साल से जेल में हैं और अब उनको अमेरिका को प्रत्यर्पित करने का तैयारी चल रहा है। इसी कड़ी में यूके का भी यूटर्न देखने को मिला। जनवरी में ही हुआवे को यूके गवर्नमेंट ने लिमिटेड ही सही पर 5G रोल आउट करने के लिए अनुमति दे दी थी। जुलाई आते आते यह फैसला एकदम से बदल गया और हुआवे को यूके में भी बैन कर दिया गया। नए आदेश के अनुसार दिसंबर 2020 के बाद कोई भी यूके की कंपनी हुआवे से कोई भी डील नहीं कर सकती। जो टावर अभी लगाया जा रहे हैं उन्हें भी 2027 में बदलना होगा। इस बैन के लिए जो कारण बताया गया वो था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इस यूटर्न की मुख्य वजह US का प्रेशर तो माना ही जा रहा है, साथ ही UK के चाइना के साथ जो तल्ख रिश्ते हैं उन्हें भी इसकी वजह माना जा रहा है। आपको बता दें, UK ने हांगकांग की 2.9 मिलियन सिटीजन्स को नागरिकता ऑफर की थी, जिसके बाद UK चाइना के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। अब बात करते हैं भारत की। भारत में 5G की क्या पोजीशन है और हुआवे को देश में एंट्री मिलेगी या नहीं। पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार द्वारा हुआवे को 5G रोल आउट में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, पर अब हालात कुछ उल्टे नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि हुआवे को भारत में भी बैन कर दिया जाएगा। ET पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से बाहर रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि अगर हुआवे को भारत में बैन किया जाता है तो इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हुआवे इस समय सबसे सस्ते दामों पर टेलीकॉम उपकरण मुहैया करा रही है।
अगर हुआवे को बैन किया जाता है तो इस सूरत में टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा दाम देकर किसी अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर कंपनी से पार्ट खरीदने होंगे। अगर हुआवे को बैन किया जाता है तो 5G रोल आउट में भी काफ़ी डिले होने की आशंका है, जिससे देश में 5G आते आते और कुछ साल लग जाएंगे और आपको और मुझको 5G का आनंद लेने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। दिस इज़ अभय शुक्ला साइनिंग ऑफ।